हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। टॉप 500 प्लस करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे पार्ट 6 की। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारी ई बुक्स और प्रिंटेड हार्ड कॉपी चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, मध्य प्रदेश, जीके, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है हमारी। मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है ये भी आपको अब मिल जाएगा। ये शेड्यूल ऐसे के हिसाब से भी दो टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, बाकी टेस्ट आपकी जो डेट्स हैं उन पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं व्यापम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस मंदिर को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेस दो में फर्स्ट रनर अप स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया है ये मध्य प्रदेश का मंदिर है महाकालेश्वर। ये कहाँ पर है? ये मंदिर है उज्जैन में और क्षिप्रा नदी जो है उसके किनारे पर स्थित है। और यहाँ पर जो स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का जो पुरस्कार इसको दिया गया है ये दिया गया है उज्जैन के जो कलेक्टर हैं उनको। उज्जैन के कलेक्टर हैं श्री शशांक मिश्रा। ठीक है, शशांक मिश्रा को ये अवार्ड दिया है। किसने अवार्ड दिया है ये महत्वपूर्ण है। ये अवार्ड इनको दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया था, वहां पर ये अवार्ड इनको जो जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ध्यान रखें गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। हाल ही में ये जो आपका जल शक्ति मंत्रालय है ये हाल ही में अभी बनाया गया है नदियों के और पानी से संबंधित जो है उनका संरक्षण करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डाटा के अनुसार हेल्पलाइन से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे देखिए जो ये डेटा है भारत सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है और इनके अनुसार हेल्पलाइन के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के मामले में मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डेटा है कब तक का डेटा है ये महत्वपूर्ण है। ये जो डेटा है 1 जनवरी से लेकर 30 मई तक का पूरा डेटा इसमें आया है, जो एनालिसिस जिसमें की गई है 1 जनवरी से लेकर 30 मई 2019 तक का डेटा है। तो इसमें मध्य प्रदेश ने करीब हेल्पलाइन के माध्यम से 1095 प्रकरणों का निराकरण किया है। इनमें से टोटल अगर हम बात करें तो पिछले 5 महीनों में यानी कि ये जनवरी से लेकर 30 मई तक टोटल 5 महीने होते हैं तो करीब 4362 उपभोक्ताओं ने इसमें कॉल किए हैं। इनमें से 1147 जो प्रकरण हैं जो दर्ज कराए गए जो वैलिड थे, ठीक है, जिनका निराकरण करना था, इनमें से 1095 जो प्रकरण हैं उनका निराकरण किया गया। बाकी जो 52 बचते हैं इनमें से उनका जो उनके ऊपर जो कार्यवाही है वो भी जारी है, तो उनका भी निराकरण किया जा रहा है। तो ये डेटा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा आगर नीमच और शाजापुर में 1500 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए इनमें से किस संस्था से ऋण लिया जा रहा है? देखिए ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है कि कोई बैंक अगर किसी स्टेट को लोन देती है, ठीक है, या किसी में सहायता करती है तो ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न व्यापम जरूर पूछता है। तो ये आगर नीमच और शाजापुर जिले में 1500 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं ये बनाई जा रही हैं, सौर परियोजनाएं हैं। कमलनाथ सरकार में सौर परियोजनाओं के बारे में काफी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो लोन है ये दिया जा रहा है विश्व बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा ये लोन दिया जा रहा है। और परियोजना को स्थापित करने के लिए आगर नीमच और शाजापुर जिलों में शासकीय भूमि जो है वो भी आवंटित कर दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदेश में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये टोटल जो नवकरणीय ऊर्जा है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो उसमें जो सोलर पंप लगाए जाने, किसानों के खेतों पे ये सोलर पंप लगाए जाएंगे और ये जो लक्ष्य है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को दिया गया है। ठीक है, कितने सोलर पंप लगाने हैं? तो ये ध्यान रखें 2 लाख सोलर पंप जो है वो इसमें लगाने हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें आप कि मध्य प्रदेश में जो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है हर्ष यादव। ठीक है, ये याद रखें, हर्ष यादव हैं,
इस डिपार्टमेंट की मंत्री। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री कौन है? ऊर्जा मंत्री, चलिए कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है इस पूरे क्वेश्चन में, वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मतलब इस योजना के तहत जन्म के समय बाल लिंगानुपात में बहुत अच्छा जो प्रदर्शन किया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर रीवा जिले को इस प्रदर्शन के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो स्मृति जुबिन ईरानी ने इनको दिल्ली में आयोजित एक समारोह में, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं रीवा जिले की, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं प्रतिभा पांडे, उनको ये पुरस्कार उन्होंने दिया है। इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं, रीवा जिला जो है इसको देश में टोटल 10 जिलों का चुनाव किया गया था, उनमें से इसको ये पहली रैंक जो है वो मिली है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने जनवरी का जो करंट अफेयर है उसमें भी आपको बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो बेहतर क्रियान्वयन है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, तब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी श्रीमती मेनका गांधी, तो उन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश को भी पुरस्कृत किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो उन 6 जिलों का इसमें चुनाव हुआ था, जिनमें से रीवा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है भिंड, तीसरे नंबर पे है मुरैना, चौथे नंबर पे है ग्वालियर, पांचवें नंबर पे है दतिया, ठीक है, और छठवें नंबर पे है टीकमगढ़। देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपका रीवा जो है बघेलखंड रीजन में आता है, तो एक बघेलखंड का जिला हो गया। फिर आ जाते हैं भिंड मुरैना ग्वालियर, इसको हम क्या बोलते हैं, भिंड और मुरैना आपको आप सम्मिलित रूप से क्या बोलते हो, चंबल बोलते हो। पर चंबल के पास में ये ग्वालियर में भी चंबल का क्या होता है, असर है। ठीक है, कहते हैं कि ग्वालियर के जो लोग हैं वो चंबल का असर होता है उनमें, तो ये ग्वालियर हो जाएगा। और दो आ जाएंगे आपके दतिया और टीकमगढ़, किस रीजन के, बुंदेलखंड रीजन के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, यानी सेंसस 2011 के हिसाब से रीवा जिले में जन्म के समय जो बाल लिंगानुपात था, ठीक है, वो था 885। ठीक है, और जब इस योजना में, जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, उस योजना में अप्रैल 2016 में इसको जब शामिल करा गया था, तब मतलब अप्रैल 2016 में इसका जो लिंगानुपात था वो हो गया था 919। और अभी 2018-19 की अगर हम बात करें तो 2018-19 में ये जो बाल लिंगानुपात है ये हो चुका है 934। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस जिले में अभी हाल ही में अत्याधुनिक कैथ लैब प्रारंभ की गई है? तो ये जो अत्याधुनिक कैथ लैब है ये प्रारंभ करी गई है ग्वालियर जिले में। और चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष मंत्री हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो। ठीक है, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जो हैं, और केंद्रीय मंत्री पहले रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ग्वालियर का जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय है, जो गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जिसको हम बोलते हैं वहां पर, और जया रोग चिकित्सा समूह जो है उसमें अत्याधुनिक कैथ लैब का जो प्रारंभ है वो इसमें किया गया है। ठीक है, और कैथ लैब एक्चुअली में क्या होती है, हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण होती है, इस प्रकार की जो लैब है वो है। इसमें आपकी जैसे हार्ट की अगर कोई पेशेंट है तो उसको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, देखिए एक एनजियो प्लास्टी की जरूरत पड़ती है, कि एनजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है, या फिर वो आर्टिफिशियल पेसमेकर जो होते हैं वो लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर स्टेंट जो होते हैं उनके द्वारा ब्लॉकेज उपचार की जो सुविधा है वो इसी लैब के माध्यम से की जाती है, मतलब इसमें सारे जो उपकरण होते हैं इन चीजों के लिए ये होते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जन्मी किस प्रसिद्ध महिला को डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया जाएगा? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिया जाएगा नहीं, ये दिया जा चुका है वैसे। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये अवार्ड दिया गया है लता मंगेशकर को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ था, और इनका भी हाल ही में 90वां जन्मदिन था, उस दिन इनको ये अवार्ड केंद्र सरकार ने
दिया है, ठीक है। और आपको पता होगा कि लता जी के बारे में खैर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कई बार इनको नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है, 3 बार नेशनल अवार्ड इनको दिया जा चुका है, ठीक है। और इनको 1972 में इनकी फिल्म थी परिचय, उसके लिए सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। फिर कोरा कागज था फिल्म 1974 में, जिसके लिए अवार्ड दिया गया था। लेकिन के लिए 1990 में इनको अवार्ड दिया था। इनको 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। इसके साथ साथ 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिल चुका है, ठीक है। ये डेटा याद, ये जो अवार्ड्स हैं ये जरूर आप याद रख लें, जब कोई पर्सन करंट न्यूज में होता है तो उससे संबंधित काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका था 1999 में। तो ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए ये 69 है, ये 89 और ये 99, ठीक है। इसके बाद फिर इनको भारत रत्न भी दिया गया है 2001 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अच्छा, एक और चीज, एक मूवी थी किति हसाल, किति हसाल, ये 1942 की मूवी है। तो इन्होंने सबसे पहला गाना जो है वो इसी मूवी के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस मूवी में ये गाना एक्चुअल में था नहीं, इसको हटा दिया गया था। तो पहला जो रिकॉर्ड गाना था वो यही था। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, गिनीज बुक ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्ड है उसमें भी इनका नाम लिखा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस जिले की लता टंडन ने लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में सबसे ज्यादा समय तक भोजन पकाने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक्चुअल में इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसका सही वो है रीवा, ठीक है। रीवा जिले की लता टंडन है, इन्होंने लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में सबसे ज्यादा समय तक, अब वो सबसे ज्यादा समय कितना है, वो सबसे ज्यादा समय है 72 घंटे, मतलब कंटिन्यू इन्होंने 72 घंटे तक खाना बनाया है, ठीक है। और ऐसा मतलब रिकॉर्ड कायम करने वाली दुनिया की पहली मास्टर शेफ बन गई हैं, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली दुनिया की पहली मास्टर शेफ बन गई हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है 68 घंटे 30 मिनट 1 सेकंड, ठीक है, 68 घंटे 30 मिनट 1 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये रिकॉर्ड किसका था, ये रिकॉर्ड था अमेरिका के रिकी लुम्पकिन का, ठीक है, रिकी लुम्पकिन, इनका ये रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड इन्होंने अब तोड़ दिया है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल इंडियन शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड भी ये जीत चुकी हैं 2018 में, ठीक है। क्या अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्होंने जीता है, ठीक है। और इनको जो आपका जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो टीम है, उन्होंने इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी इनको तुरंत उसी मौके पर दिया था। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग कुपोषण में सबसे आगे है। तो यहाँ पर बात करें कुपोषण में सागर संभाग जो है वो सबसे आगे है। यहाँ पर सागर संभाग के जो आंगनबाड़ी हैं वहां पर 8,12,153 बच्चे जो हैं वो दर्ज हैं, और इनमें से 1,18,512 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से जूझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हेल्थ इंडेक्स 2019 की जो रिपोर्ट आई है किसके द्वारा आई है, ये दी है नीति आयोग ने, ठीक है। किसने दी है, नीति आयोग ने दी है। तो ये भी ध्यान रखें, ये 2019 के नाम से ये रिपोर्ट आई है। इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, अभी हाल में मध्य प्रदेश को 1.70 अंक जो है वो नीचे आ गया है। हालांकि ये अंक कभी भी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, तो इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। मध्य प्रदेश इस रैंक में कौन से नंबर पे है ये महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश जो नेशनल हेल्थ इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसमें 18वें नंबर पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि पहले नंबर पे कौन है, तो स्वास्थ्य के मामले में पहले नंबर पे है आपका केरल, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रदेश 18वें नंबर पे है, ठीक है। और संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में जो चंडीगढ़ है वो इसमें आपका पहले नंबर पे, और दिल्ली जो है, दिल्ली की इसमें रैंक है 5th, ठीक है। तो इतना आपको यहां पर याद रखना है। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।